पाथफाइंडर क्लास से छपरा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकतंत्र और उसके सत्ता की साझेदारी के बारे में। चलिए अब समझते हैं सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता में साझेदारी की कल्पना क्या होती है। पहली बात, सत्ता। सत्ता का मतलब होता है पावर। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी इलाके में अगर कोई पावर या फिर जो जो हमारे पास पावर रहती है, जो नेताओं के पास पावर रहती है, उसे ही सत्ता कहा जाता है। और उसमें साझेदारी, उसमें साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी लगाना। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे बिजनेस में साझेदारी थी, हम लोग साझा करके बिजनेस कर रहे थे। तो साझेदारी मतलब वो सभी लोग आपस में साथ में मिल के बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये लोग साझेदारी में बिजनेस कर रहे थे। तो सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता में जब साझेदारी हो रही हो, जब वो पावर को शेयर कर रहे हो, तो उसे सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। सत्ता में साझेदारी की कल्पना कहाँ से शुरू हुई? तो सत्ता में साझेदारी की कल्पना सबसे पहले देखते हैं, लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये लोकतंत्र की सबसे कॉमन परिभाषा है, सबसे ज्यादा लोग इसी परिभाषा को बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जहां पर जनता की सरकार है, यानी कि ये जनता इसमें पूरी तरीके से मिली हुई है, पूरा का पूरा सहयोग है जनता के द्वारा। यानी कि सरकार को किसने बनाया है? जनता ने बनाया है। किसने बनाया है? तो जनता ने बनाया है। तो इस सरकार पर किसका अधिकार होगा? तो जनता का अधिकार होगा। इतना से तो समझ में आ गया। ये सरकार किसके लिए बनाई गई है? तो ये सरकार जनता के लिए बनाई गई है। तो कहने का मतलब सिंपल हो जाएगा कि ये सरकार किसके लिए बनाई गई है? तो ये जनता के लिए, यानी कि इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा? जनता का रहेगा। सत्ता, सत्ता का मतलब क्या होता है? अब देखिए, आपके बुक के हिसाब से सत्ता का मतलब होता है, सत्ता का अर्थ होता है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति यानी कि आपके पास राजनीति से संबंधित किस प्रकार की शक्तियां हैं, उसे आप सत्ता कहते हैं। तभी तो कहते हैं ना, सत्ताधारी होते हैं, विपक्षी पार्टी होती है, तो उन लोगों के पास राजनीतिक शक्ति होती है, तो इसलिए सत्ताधारी होते हैं। जिनके पास नहीं होते, वो विपक्षी होते हैं। सत्ता की साझेदारी से यह मतलब है कि सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे जो भी हैं, मसले हैं, जो भी निर्णय हैं, या उन सभी को प्रभावित करने या फिर बनाने का अधिकार सभी के पास होना चाहिए, तो उसे सत्ता की साझेदारी कहेंगे। जैसे इस बल्ब जलाने का अधिकार एक आदमी के पास होता तो वो क्या होता? इस पावर का अधिकारी होता। लेकिन नहीं, यहाँ पर इसके अधिकारी सभी के हैं, किसी व्यक्ति के, किसी भी निरंकुश राजा के, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बस एक ही बात मायने रखती है, और वो है कि सभी लोगों का साथ में होना ही साझेदारी कहलाता है। किसी भी समुदाय विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी एक व्यक्तियों को पास पावर नहीं दी जाती है, सबको बराबर पावर दी जाती है, तभी हम कह सकते हैं कि ये समुदाय सभी साबित हो पा रहा है। अब अगला सवाल कि सर, सत्ता में साझेदारी तो समझ में आ गया, जैसे ये एक पावर हो गई, अब बल्ब जलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, तो सत्ता की साझेदारी का अधिकार सिर्फ एक के पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चार लोग उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधे तरीके से समझ सकते हैं कि इस पावर का, इस बल्ब जलाने की जो क्षमता है, वो सब चार अलग अलग व्यक्ति कोई भी जला सकता है। ये बल्ब जला, जैसे अगर ये बल्ब कोई देश की नियम बदलने वाला बल्ब हो गया, जैसे अगर ये बल्ब वही जलाएगा जो नियम बदलने की शक्ति रखता है, तो ये चार लोगों के पास है, यानी कि चारों के चारों लोग नियम बदल सकते हैं। एक व्यक्ति के पास रहता तो इससे क्या होता है? हम लोग समझ जाते हैं कि यही व्यक्ति उस देश का निर्णायक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी में सबको बराबर होना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाए रखने के लिए, इसके आधार को और भी ज्यादा जोड़ने के लिए बनाई जाती है। सत्ता की साझेदारी की कोशिशें लोकतंत्र के हर एक अंग में बराबर जाकर बैठ जाती है, और ये उतने ही ज्यादा लोगों को अपने ओर आकर्षित करने पर मजबूर कर देती है। लोकतंत्र में जितने ज्यादा लोग सत्ता की भागीदारी में शामिल होंगे, उतना ही ज्यादा लोकतंत्र प्रभावित होगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि ये लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का। और जितनी ज्यादा जनता इसमें लगेगी, उतना ही ज्यादा मजबूत ये लोकतंत्र होगा। जितने ज्यादा लोग इसमें सहयोग करेंगे, उतना ही स्थिर होगा। स्थिर इसलिए होगा क्योंकि ये चारों ने मिलकर नियम बनाया, तो इनमें से कोई भी ये नहीं नकार सकता कि तुम्हारी गलती है कि तुमने नियम बनाया। सभी लोग मिलकर नियम बनाए हुए हैं, इसलिए सबकी गलती, अगर गलती होगी भी तो सबकी होगी, और तारीफ होगी भी तो सबकी होगी। तो इसीलिए कि कोई भी कमी या बेसी किस्म की बातें नहीं रहती हैं।
अब जब हम समझ चुके हैं कि सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि सत्ता की साझेदारी को किस प्रकार किया जा सकता है। आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा ही जटिल हो चुकी हैं। इसके लिए सत्ता की साझेदारी का स्वरूप हम लोग आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र ही सत्ता की साझेदारी को दिखा रहा है। आधुनिक जितने भी एडवांस या मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो रहे हैं, वो उतने ही ज्यादा लोकतांत्रिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले प्रकार का देखेंगे हम लोग सत्ता का विभाजन। सबसे पहले प्रकार का सत्ता का विभाजन होगा सरकार का क्षैतिज संगठन। कहने का मतलब है कि एक बराबर रेखा में समान पावरों को बांटना क्या कहलाता है, सरकार का क्षैतिज गठन कहलाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक सत्ता को व्यवहारिक प्रयोग को सबसे आसानी से देखा जा सकता है। सरकार के कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, सरकार के कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें उन लोगों की पावर भी अलग अलग रहती है। ये लोग काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन इनकी पावर, इनके कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। ये लोग अलग अलग किस्म के कार्य कर रहे होते हैं, जैसे न्याय के संबंधी सारी की सारे कार्य कौन संभालता है, न्यायपालिका, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियरी या जुडिशियल पावर। जितने भी नियम बनाने हैं या फिर कानूनों को बनाने के संबंधी जितने भी नियम हैं, उनको विधायिका कहा जाता है या फिर उनको लेजिस्लेटिव पावर कहा जाता है। कानूनों से संबंधित जो भी पालन करने की बात होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कार्यपालिका कहा जाता है। ये जो अगला टॉपिक है, इसको एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहा जाता है। इसके अंदर सरकार पावर बांटती है, जैसे नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के पास रहता है, नियम को लागू कराने का अधिकार IAS ऑफिसर, जितने भी किसी कोई कर्मचारी हो गए वो सब, और पुलिस अधिकारियों के पास होता है, तो ये एग्जीक्यूटिव हो गए। जुडिशियल पावर का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के पास नहीं, पुलिस अधिकारियों के पास नहीं, बल्कि कोर्ट के अधिकारियों के पास रहता है, तो इसीलिए न्याय, जितनी भी न्यायपालिका की पावर है इनके पास हो जाती है। ये त्रियांगिक बंटवारा है, इसके अंदर उनके कार्य उनको दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ संविधान से ही इस बात की घोषणा कर दी गई है कि ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, कोई भी इन पर रोक या दबाव नहीं डालेगा, एक दल दूसरे दल पर दबाव नहीं डालेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी देखने को मिलती है हम लोगों को यहाँ पे। अब इस प्रकार की व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन बराबर बना रहता है। लेजिस्लेटिव अपनी मर्जी का काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी का काम करता है, जुडिशियरी अपनी मर्जी का काम करता है। इसको रोकने के लिए ये लोग नहीं जाते, इसको रोकने के लिए ये लोग नहीं जाते, और इसको रोकने के लिए ये लोग नहीं आते, लेकिन निगरानी रखने का काम जुडिशियरी का होता है। ये निगरानी इन पर भी रख सकता है, ये निगरानी इन पर भी रख सकता है। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका निगरानी रख सकती है मंत्रियों पर भी, पुलिस अधिकारियों पर भी। क्या कोर्ट मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को निगरानी नहीं रखता है? बिल्कुल रखता है। लेकिन क्या मंत्री कभी भी कोर्ट के जजों को बताते हैं कि आपका ये काम है, आपको ये करना है? ऐसा कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की भी व्यवस्था है। यहाँ पर नियंत्रण करने का काम जुडिशियरी का और संतुलन का काम इन तीनों का, यहाँ पर बराबर बराबर पावर दी गई, तो संतुलन की व्यवस्था। सरकार का श्रेणीबद्ध गठन, कहने का मतलब है कि सरकार को इस तरीके से बनाइए कि एक श्रेणी, एक सीरीज दिखाई दे, सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, और फिर सबसे अधिक या फिर सबसे बड़ी सरकार। सरकार का श्रेणीबद्ध गठन, इस प्रकार के गठन में राजनीतिक शक्ति क्षेत्र के अधिकार पर बांटी जाती है, यानी कि पावर जो रहेगी वो जिसका क्षेत्र जितना बड़ा होगा उसका पावर उतना ही बड़ा होगा, जिसका क्षेत्र जितना कम उसका पावर उतना ही कम। भारत के शासन में हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रहता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग रहता है, और म्यूनसिपलिटी का गवर्नमेंट अलग रहता है, और अंदर जितने नीचे उतर आते हैं ग्राम पंचायत का गवर्नमेंट अलग रहता है, जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जनपद सरकार और पंचायत सरकार। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जनपद सरकार और पंचायत सरकार, इसके अंतर्गत आप पावर का सेपरेशन भी देख लीजिए। जो प्रधानमंत्री के पास पावर होती है, जो केंद्रीय मंत्रियों के पास पावर होती है, वह अपने मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी काम संभाल सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री के पास वो पावर नहीं होती है। केंद्र सरकार जो नियम लगाती है वो पूरे देश पर लागू होता है, लेकिन राज्य सरकार जो नियम लगाती है क्या वो पड़ोसी देशों पर लागू होता है? नहीं होता। पड़ोसी राज्यों पर लागू होता है? बिल्कुल नहीं होता है। किस पर लागू होता है? तो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों पर लागू होता है। उससे नीचे बात आती है म्युनिसिपैलिटी के लेवल की, तो यह वैसी सरकार होगी जहाँ पर पावर को किन के आधार पर बांटा जाएगा, जहाँ पर पावर को उनके सक्षमता के आधार पर नहीं, उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर बांटा जाएगा। म्युनिसिपैलिटी में छोटे छोटे कार्य होते हैं, इसलिए म्युनिसिपैलिटी का दिया जाएगा।
उसके बाद आगे बारी आती है ग्राम पंचायत की। तो यह सबसे निचला लेवल है सत्ता का, जहां पर पावर की शेयरिंग देखने को मिलती रहती है। यह वह स्तर है जो गांव के इलाकों में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे कम पावर स्टेट गवर्नमेंट, उससे कम पावर म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट, और सबसे कम पावर ग्राम पंचायत गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, पावर एक आदमी के पास भी नहीं रही, सबको बराबर बराबर मिल गई। सत्ता एक आदमी के पास नहीं रही, सत्ता कोई पावर कह रहा हूं मैं, सत्ता एक आदमी के पास नहीं रही, सबको बराबर बराबर भी मिल गई और बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं रहता और आसानी से कार्य प्रणाली को भी किया जा सकता है। अब कोई समझ, अब समझ में आया। अब चलिए अगला टॉपिक, अब सत्ता के साझेदारी के कुछ अगले स्वरूप, जिसमें कहा जाता है सामुदायिक सरकार की अवधारणा। अभी तो आपने सरकार का ओरिजिनल फॉर्म पढ़ लिया जो हम लोग के देश में होता है। एक और आती है अवधारणा जिसमें आता है कि समुदाय की सरकार। इसमें सरकार का गठन न केवल गठन के आधार पर बल्कि प्रतिनिधि के आधार पर भी साझी होने को कहा जाता है। इसमें किसी समुदाय के लोगों, जिसमें जैसे हमारा भारत देश हो गया, तो इसमें बहुत सारे समुदाय पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग संस्कृति के लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति दी जाती है, उनको अपनी बात कहने की इच्छा दी जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसलिए इनमें समुदायों की भी सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, ताकि बहुसंख्यक ही सिर्फ और सिर्फ अपना काम ना करें, जो ज्यादा लोग हैं वही लोग अपनी बात ना मनवाएं, सभी लोग अपनी बात मनवाएं। आप देख सकते हैं सभी की सभी लोगों की बातों पर मान्यता रखी जाए, ना कि सिर्फ उन्हीं की बातों पर मान्यता रखी जाए जिनके ज्यादा दोस्त हैं, जैसे ज्यादा संख्या में है। तो इसीलिए इस बात से बचाए रखने के, जैसे भारत जैसे देशों में कोई, जैसे कि कोई एक देश हो गया उसमें एक धर्म के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, दूसरे धर्म के लोग कम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर वो दोनों तरह की व्यवस्था लगाई जाती, पुरानी वाली व्यवस्था जो हमें हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि समुदाय को बराबर तरीके से हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। पर अगर हम लोग समुदायवादी सरकार बना दे कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, दोनों को बराबर मात्रा में दिया जाएगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसमें हम लोग क्या देखने को मिलेगा, उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि बराबर मात्रा में ये दोनों साथ में रह सकते हैं। अब इसीलिए हमें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो हर एक संख्या को सामने आने का मौका दे, हर एक समुदाय को सामने आने का मौका दे। एक एक तरफ जहां समुदायों को अपने हितों का संवर्धन नहीं करेगा, उपयोग अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को नहीं बड़ा करेगा, वहीं दूसरी ओर अन्य समुदाय भी अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने हित के लिए, अपने मुद्दे पर कुछ कर पाएंगे। इसलिए सरकार में समुदाय की बहुलता, यानी कि समुदाय, अलग अलग किस्म के समुदाय पाए जाना, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसी की वकालत की जाती है किसके अंतर्गत, तो हमारे सामुदायिक सरकार के अंतर्गत। तो इसमें सरकार किसी एक आदमी के हाथ में ना देकर समुदाय के हाथ में दे दी जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार की अवधारणा कहते हैं। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एक वर्ग के लोग ज्यादा हैं और दूसरे वर्ग के लोग कम हैं, तो इनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। इसीलिए इसको रोकने के लिए दोनों समुदायों को बराबर बराबर की अनुमति दे दी जाती है, और इस प्रकार ये सामुदायिक सरकार बन जाती है। अब अगला बात आता है दबाव समूह की सत्ता में हिस्सेदारी। क्योंकि लोकतंत्र ने अलग अलग वर्गों को जन्म दिया है, इसीलिए हमारे देश में भी ये बात दिखाई देगी कि अलग अलग समूह है। तो जो समूह प्रत्यक्ष या सीधे तौर पर सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। लेकिन कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष दल पर अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं या फिर हितों को पूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें हित समूह कहा जाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी हो गई, कांग्रेस एक पार्टी हो गई, लेकिन क्या करणी सेना एक जो सेना है वो एक पार्टी हो गई? नहीं, वो एक हित समूह हो गया, वो एक विशेष वर्ग के लिए बनाया गया हित समूह हो गया। बजरंग दल जो है वो एक हित समूह हो गया जो एक विशेष दल के लिए बनाया गया है। तो ये हित समूह होते हैं, ये सीधे तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और जो प्रत्यक्ष तौर पर सरकार में भाग ले रहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। जो अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार में भाग नहीं लेते हैं बल्कि अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाव समूह या हित समूह कहा जाता है। तो राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ किसानों का राजनीतिक दल, मजदूरों का राजनीतिक दल हो गया, लेकिन दबाव समूह डॉक्टरों का, वकीलों का, जो सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जो अपना काम करते रहना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी बात को भी मनवाना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे दबाव समूह कहते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष किस्म के होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष किस्म के कौन होते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां जितनी भी होती हैं वो सब प्रत्यक्ष किस्म की होती हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा,
सत्ता की साझेदारी पर सवाल। जब हम सत्ता की साझेदारी वाले बात पर बात कर रहे होते हैं तो हमें हमारे सामने आता है कि सत्ता पर एक अधिकार। कई हजार सालों से देखा गया है कि सत्ता पर कुछ विशेष चुनिंदा लोगों का या कुछ समूह का ही अधिकार रहा है। इन्हीं चुनिंदा लोगों का या फिर कभी कुलीन लोग, कभी राजशाही लोग, कभी बुद्धिस्ट लोग, इन्हीं लोगों के दिमाग कभी बहुत संख्यक लोगों के पास ही रही है। इसीलिए लोगों का कहना है कुछ ही लोगों तक ही सीमित रही है। ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि सत्ता सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास क्यों सीमित रही है। इंग्लैंड के इलाके हो गए, भारत में ही देख लो, भारत में ही दो राजनीतिक दल हैं और सत्ता सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो राजनीतिक दलों के ही हाथ में रह गई है। इंग्लैंड में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं, कई सारे राज्य आपको जहाँ पे देख जाएंगे जहाँ पे पावर शेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य निर्धारित है, एक ही राज्य निर्भर है। तो उसी प्रकार की भी व्यवस्था एक सवाल उठता है। अगला सवाल ये उठता है कि सत्ता के बंटवारे में असमानता। पहली बात तो भारत हो या कोई भी राज्य हो, वहां पर सत्ता को बराबर बराबर बांटना लगभग इम्पॉसिबल काम है। ऐसे इलाकों में हमें सत्ता को बराबर बांट ही नहीं सकते, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर नहीं होता ना, वर्गों के आधार पर होता है। यहाँ पर समुदाय और वर्ग असमान तौर पर पाए जाते हैं, इसीलिए सत्ता को भी बांटना असमान हो जाता है। और उस चक्कर में फिर साझेदारी पर सवाल उठने लगते हैं। तो ये भी एक अगला सवाल उठता है कि सरकार पर समान तौर से समाजन कौन करेगा। उसके बाद बारी आती है सत्ता की व्यवहारिक आवश्यकता पर, सत्ता की साझेदारी में कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये अगला सवाल होता है। सत्ता की साझेदारी की व्यवहारिक आवश्यकता पर यह सवाल उठता है कि कौन परंपरागत तरीकों से इसमें शामिल है, कौन अपरंपरागत तरीकों से इसमें शामिल है। सत्ता समाज के कुछ विशेष लोगों के हाथ में ही रही, लेकिन ऐसा करना जरूरी था, क्यों जरूरी था, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं तो हमें हमारा सत्ता की साझेदारी वाला सवाल भी समझ में आ जाता है। अब आपके सामने अगला टॉपिक है। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू होता है, सामाजिक विभेद और विभाजन में के वजह से सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा। सामाजिक विभेद और विभाजन बड़े समाजों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि बड़े समाजों में संयोजन और प्रबंधन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं उस देश में अक्षमता कारण यह संकट का मौसम भी देखने को मिलने लगता है। तो सामाजिक विभेद और विभाजन जो है वो बहुत ही खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इन सभी के होने के बावजूद भी साझेदारी सही चलती रहती है। इसका एक एग्जांपल देखिए, बेल्जियम, ये जो देश है ये बेल्जियम है, बेल्जियम का एक एग्जांपल देखिए। बेल्जियम की जातीय संरक्षता का अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ पे सामाजिक विभेद विभाजन सबका अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है जहाँ पर 1 करोड़ आबादी है, यानी कि भारत के बिहार राज्य में 10 करोड़ लोग रहते हैं। बिहार में 10 करोड़ लोग रहते हैं और ये यहाँ पर पूरे के पूरे देश में 1 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ भाषा के आधार पर दो भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। ऊपर के इलाके में फ्रेंच बोली जाती है, नीचे के इलाके में डच बोली जाती है। तो ऊपर के इलाके में फ्रेंच बोली जाती है तो ऊपर के इलाके में फ्रेंच बोली जाती है नीचे के इलाके में डच बोली जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लेमिश, यह प्रदेश का नाम था फ्लेमिश, फ्लेमिश प्रदेशों में प्रदेश की 40% जनसंख्या, पूरे के पूरे देश की 40% जनसंख्या यहाँ रहती थी जो फ्रेंच बोलती थी। और बेल्जियम का दूसरा इलाका जिसको वलोनिया रीजन कहा जाता था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 59% जनसंख्या पाई जाती थी जो डच भाषा बोलती थी। वलोनिया देश में एक और इलाका था जहाँ पर लोग जर्मन थे, ये लोगों की संख्या 1% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1% ये लोग थे। यहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स थी, ब्रुसेल्स की जनसंख्या का विवरण अलग था। यहाँ 80% डच लोग, 20% फ्रेंच लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा या तनाव देखने को मिलने वाला था। इसीलिए इस झगड़े या तनाव से बचने के लिए बेल्जियम की सरकार ने बहुत ही आसान रास्ता निकाला और रास्ता निकाल कर इसको इन झगड़े को निपटान किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेल्जियम ने संविधान में परिवर्तन किए और कुछ नियम बनाए। जो कुछ नियम इस प्रकार थे, यहाँ पर सभी नागरिकों को समान माहौल मिलेगा, कोई भी नागरिक एक दूसरे से ऊपर नहीं होगा, चाहे डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, ये बात मायने नहीं रखेगी। अब केंद्र की सरकार में जो केंद्र सरकार बनेगी उसमें जो पूरे पूरे देश पर संचालन करेगी उस सरकार में फ्रेंच और डच दोनों की संख्या बराबर रहेगी। फ्लेमिश इलाकों में अपना शासन और वलोनिया इलाके में अपना शासन, इसमें कोई भी, ये दो राज्य बना दिए गए, फ्लेमिश इलाका अलग और वलोनिया इलाका अलग, इन दोनों पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा, ये लोग अपनी मर्जी से के सारे कार्य कर सकेंगे। ब्रुसेल्स जो बीच की राजधानी थी, इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बात रखी गई और इनमें सरकारों को बराबर बराबर बांट दिया गया। और
तीसरा एक और सरकार बनाई गई जिसको क्या कहा गया, जिसको सामुदायिक सरकार बनाई गई, जिसमें डच और फ्रेंच के लिए तो पहले ही काम किया जा चुका था। जो जर्मन सरकार थे, जो जर्मन बोलने वाले थोड़े से लोग रह गए थे बेल्जियम के, उनके लिए भी कार्य प्रणाली में सुधार किया गया और इन लोगों के भी सारे के सारे झगड़ों का निपटान कर दिया गया। जैसे जो भी भाषा, जैसे जो इन लोगों का मुख्य मुद्दा क्या था, इन लोगों की भाषा अलग अलग थी। अब भाषा अलग होने की वजह से इनकी संस्कृति और शिक्षा भी अलग अलग हो जाएगी। एक भाषा बोलने वाले लोग अब एक पास रहेंगे, एक ही इलाकों में रहेंगे, उनकी शक्तियाँ एक समान रहेंगी, तो फिर कोई भी किसी पर नियंत्रण करने जैसे प्रभाव को नहीं छोड़ेगा। और इस प्रकार हम कह पाएंगे कि पूरा का पूरा बेल्जियम बहुत ही आसानी तरीके से या शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा होगा। अब अगला टॉपिक है सामाजिक भेदभाव और विभेदता की उत्पत्ति। सामाजिक विभाजन या भेदभाव के कई अलग अलग रूप होते हैं और ज़्यादातर इसका रूप तो हम लोग, कुछ रूप तो इंसान खुद जनजात होता है और कुछ रूप हम लोग अपनी मर्जी से चुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर भेदभाव के जो रूप होते हैं वो जन्म के कारण ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम या कोई भी व्यक्ति अपने जाति या समुदाय का चुनाव खुद से तो नहीं करता, जन्म के कारण ही उसकी जाति या उसका समुदाय डिसाइड होता है कि वह किस जाति का है, वो ग्रुप ए का है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कोई किस ग्रुप का है, ये उसके जन्म के कारण डिसाइड होता है। वैसे ही वो अपनी इच्छा से इसे छोड़ भी नहीं सकता, वो जिस समुदाय का है, जिस जाति का है, उसी जाति का बना रहता है। उसी प्रकार उसका गोरा या काला होना, उसका लंबा या नाटा होना, ये उसके द्वारा तो नहीं किया जा सकता, ये वो अपने तो नहीं अपना सकता। ये इसको अपनाने के लिए उसका जन्म ही उसका मुख्य कारण होता है। कोई व्यक्ति अगर दलित के कारण जन्म लेता है तो इसका ऑटोमेटिक कारण है कि वो उसी समुदाय का होकर रह जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि सामाजिक विभेद या फिर भेदभाव का मुख्य कारण क्या है, तो सामाजिक विभेद या भेदभाव का मुख्य कारण जन्म है। यही किसी भी भेदभाव को शुरुआत कराता है। किसी धर्म का होना वो भी जन्म के कारण, किसी एक जाति का होना धर्म के कारण, किसी एक रंग का होना जन्म के कारण, किसी एक ऊंचाई का होना जन्म के कारण। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो हम नहीं अपनाते, जैसे किसी एक राजनीतिक दल को मानना, ये जन्म के कारण नहीं होता, ये हमारी विचारधारा के कारण होता है, जो हम सोचते हैं उसके कारण। किसी का अमीर या गरीब होना, यह जन्म के कारण नहीं होता है, यह उसकी कार्य क्षमता के आधार पर होता है। किसी का शिक्षित या अशिक्षित होना, ये उसके पढ़े लिखे होने के आधार पर होता है, उसके जन्म के आधार पर नहीं होता। तो कुछ ऐसे भेदभाव होते हैं जो जन्म के आधार पर होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भेदभाव होते हैं जो जन्म के आधार पर नहीं होते हैं। लोकतंत्र ने जहाँ बहुत ही सारे विभेदों को पहचान दी है और पहचान देकर हमारी व्यवस्था को मजबूत बनाया है, वहीं अगर इसको सही तरीके से व्यवस्थित ना किया जाए तो यही भेदभाव बाद में चुनौतियां भी पैदा करने लगता है और फिर इन्हीं भेदभावों के जरिए राज्य के टूटने जैसी शक्तियां भी सामने आने लगती है। कई सारे देशों में तो टूटने का क्वेश्चन का सवाल भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। अब अगला टॉपिक है लोकतंत्र की समन्वयात्मकता और भूमिका। सीधी सी बात है कि लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी जैसे बड़े बड़े मामलों को आसानी से निपटा सकता है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है। लोकतंत्र में हमने सिंपल तरीके से यही जाना है कि सत्ता उसी के अंदर समाहित रहती है जिसको बांट दिया जाता है, जिसमें सभी लोगों को अधिकार दे दिया जाता है। प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है, किसी को कहीं वापस बुलाए जाने का अधिकार, ये सारे अधिकारों पर चर्चा आसानी से की जा सकती है। तो सिंपल तरीके से कहा जाए तो लोकतंत्र सारी की सारी समस्याएं भी उसी में हैं और सारे के सारे समाधान भी उसी में देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर हमें बस थोड़ी थोड़ी सी लोचनीयता और परिवर्तन के गुणों को मानना है और इन्हीं गुणों के आधार पर थोड़े मोड़े स्थिरता और थोड़े मोड़े आंदोलन, यही दोनों चीज़ हमारे लोकतंत्र के अंदर की साझेदारी वाले मुद्दे को आसानी से निपटा सकती है। सिंपल तरीके से कहा जाए कि साझेदारी के लिए होने वाले जितने भी झगड़े हैं उन सभी को स्थिरता, यानी कि राजनीति के जो बड़े नेता हैं वो स्थिर रहे और कुछ जो और दूसरे नेता हैं वो आंदोलन करके ही इस मुद्दों को समाहित कर सकते हैं, साझेदारी वाले मुद्दों को के ऊपर नियम बना सकते हैं। जैसे अगर कोई पक्ष वाली सरकार है तो वह उस पर स्थिरता बनाई रखेगी, उस नियमों पर चर्चा करेगी, और विपक्ष वाली सरकार है वह उन पर आंदोलन करेगी और उन नियमों की डिमांड करेगी या सरकार का ध्यान उस नियम की ओर खींचेगी। इस तरह सत्ता की साझेदारी की मांग को लोकतंत्र बहुत ही सिंपल तरीके से और विकासशील तरीके से अपनाता है। यहाँ पर तो कहा जाता है कि जनता जितनी ज़्यादा सत्ता में भाग लेती है उतना ही ज़्यादा बेहतर लोकतंत्र बनता है। अवसर और संसाधनों का उपयोग करके असमानताओं और भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही तो लोकतंत्र बेहतर साबित होता है, और लोकतंत्र हर एक जनता की आकांक्षाओं
को पूरा करने और उनको उनको समान तौर से दिखाने के लिए एकदम सक्षम होता है। बस हमें जरूरत होती है तो स्थिरता की और आंदोलनों की। बस इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको सारे के सारे नोट्स चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, पूरे के पूरे चैप्टर के ख़त्म होने के बाद अवेलेबल करा दिए जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आप पर अलग डिस्कशन वीडियो बनाया जाएगा। और अगर आप नोट्स उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को अलग अलग जगह पर पॉज करके आराम से नोट्स उतार सकते हैं।